नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप जानते हैं, यूजीसी नेट जीआरएफ जो सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपका जो प्यारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी वो भी शामिल है। तो ज्योग्राफी का भी एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया गया है। आई होप आप लोगों ने अपने अपने सेंटर देख लिए होंगे कि आपका सेंटर कहाँ है। डिस्ट्रिक्ट या जो है सिटी तो आपको पहले से ही पता था, बस औपचारिकता भर रह गई थी कि आपका सेंटर आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ से कितना दूरी पे है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली है और आज हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं इस पूरे के पूरे जो अभी तक टाइम चल रहा है आपका यूजीसी नेट का, कि आपका जो 12th यानी दिसंबर को पेपर होने वाला है, तो उस दौरान आप कैसे जो है उस 3 घंटे को, जो 3 घंटा आपके जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाने वाला है, उस 3 घंटे को कैसे आप हैंडल करते हैं, इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। हम कुछ अपने एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करने करने वाले हैं, ताकि आप सभी का जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है वो वर्ष पर्यंत लगातार अपना 100% देता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम के दौरान कुछ ऐसी जो है टेक्निकल चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी नासमझी के कारण उसका जो पूरा का पूरा जो 6 महीने वर्ष भर अपनी मेहनत करता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों पे आज हम जो है मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है बात करेंगे, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। आप कई लोग जो है हमसे भली बात परिचित होंगे, क्योंकि हम काफ़ी दिन से जो है आपका क्लास लेते हैं, आपके सामने जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि जो है मैंने जो है फर्स्ट बार जो यूजीसी नेट दिया था, जब मैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया है, तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर में था, तो जून 2019 की बात है। उस समय फर्स्ट सेमेस्टर में आमतौर स्टूडेंट जो है किसी को पता भी नहीं होता है, बहुत सारे स्टूडेंट पेपर देना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन मैंने क्या किया कि जो है पेपर दिया था, और जून 2019 में पेपर हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था, मेरा जीआरएफ नहीं हुआ था। ये डिस्प्ले की जा रही है आपकी जो है स्क्रीन पे मार्कशीट, उस पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो है मेरे जो इसमें फर्स्ट पेपर था उसमें मेरे जो है 24 क्वेश्चन सही हैं, यानी मुझे 48 मार्क्स मिले थे। लेकिन जो मेरा सब्जेक्ट था वो एक एवरेज था, जिसमें मुझे मेरे जो है 66 क्वेश्चन सही थे, यानी मुझे 132 मार्क्स मिले थे, यानी ओवर टोटल मुझे 90 क्वेश्चन मेरे सही थे, यानी 180 मार्क्स मिले थे, और मेरा जो है नेट क्वालिफाई हुआ था। उस समय की खुशियाँ क्या थी ये मैं ही आपको बता सकता हूँ। उसमें मैंने लगभग कोई ऐसा जो है मेरा परिचित ना रहा होगा जिसको मैंने फ़ोन करके ना बताया हो कि मेरा नेट क्वालिफाई हुआ हो। ऑब्वियस सी बात है, जब आप जो है क्वालिफाई करेंगे और वो भी एमए के दौरान, तो आपको उस खुशी की अनुभूति होगी जो मैंने क्या किया था उस समय महसूस किया था। बात इसमें कुछ कमियां रह गई, पहली कमी रह गई कि मैं उसमें एमए का स्टूडेंट था, तो मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था उसमें पूरा। फिर भी मैंने काफ़ी कुछ कवर करने का प्रयास किया था, क्योंकि मैंने अपने मन में विचार बना लिया था, मैंने खुद में ठान लिया था कि मुझे जीआरएफ क्वालिफाई करना है। मैं पीजी कर रहा हूँ तो मुझे जीआरएफ क्वालिफाई करना है, तो मैं हमेशा जो है उसी के प्रति दिन रात सोचता रहता था कि कैसे कौन से टेक्निक्स का यूज करके मैं वहाँ तक उस मुकाम को हासिल कर सकूँ। तो यहाँ पर मेरी कुछ कमियाँ थी। एक कमी तो आप लोगों को यहाँ भी दिख रही होगी कि मेरे फर्स्ट पेपर में बहुत कम मार्क्स थे। तो ये रहा मेरा 2019 का जर्नी। उसके बाद कोविड आ जाता है, और कोविड के बाद एग्ज़ाम जो है सस्पेंड हो जाते हैं, और बीच में कई बार एग्ज़ाम 2 बार तो मर्ज करके कराया गया, और बाद में जो है जून 2021 जो है मार्कशीट आपको दिखाई जा रही, देख सकते हैं आप, इसमें मेरा जो है जीआरएफ क्वालिफाई हुआ। और इसमें मैंने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा, जो जो मुझे कमियाँ लगी, और उससे सीखकर जो है मैं आगे बढ़ा। और इसमें आप देख सकते हैं कि मुझे जो है फर्स्ट पेपर में भी 99.12% मिले थे, और सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट हुआ था उसमें भी मुझे 99.2% जो मार्क्स मिले थे। ओवरऑल मेरा 99.64% नंबर समथिंग है, तो और मेरा जीआरएफ हुआ। और ये परसेंटाइल होने की वजह से आप जो है अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कितने क्वेश्चन आपके
सही थे। तो मैं इसमें बता दूं कि जो मेरा फर्स्ट पेपर जो पिछली बार गड़बड़ हुआ था 2019 में, उसको मैंने सुधारा और जो 24 क्वेश्चन सही गया था उसको मैं जो है उस पर इतना जो है ध्यान दिया कि मेरा इस बार जो है 2021 वाले में 38 क्वेश्चन सही हुए थे। ठीक है, टोटल मेरे 111 क्वेश्चन के जो है अराउंड में सही हुए थे उस टाइम, और मेरा 11 जो है क्लियर हुआ था। तो ये मेरी एक छोटी सी जर्नी थी, और उसके बाद आगे तो आप जानते हैं कि मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और अभी मैं वर्तमान में पीएचडी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो ये मेरी जर्नी थी, और मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ ही बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है कुछ कमियां रह जाती हैं किसी भी स्टूडेंट के पास पढ़ाई करने के साथ साथ ही। केवल आपको पढ़ाई पे ही फोकस नहीं करना होता है, मेरा जहाँ तक मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ आपको थोड़ा सा जो है कुछ और टेक्निकल चीज़ें जो हैं या जो जो है आपको बहुत ही ज़रूरी है जिस पे कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें भी पढ़ाई के साथ होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर पाते हैं। इसी बात इसी मुद्दों पर आज हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे अभी आपके पास 2 ही दिन का टाइम है, तो मैं कई दिन से कई बार आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी कमी थी, मैं अपनी कमियों के साथ ही आपको बताऊँगा कि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैं फर्स्ट टाइम दिया था तो मुझे इसका आइडिया कम था, तो मैं हमेशा नई चीज़ें पढ़ने के प्रयास में रहता था सिलेबस कवर करने में। तो सिलेबस कवर करना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर एक स्मार्टनेस होनी चाहिए आपके अंदर कि आप चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, नया तो पढ़िए। क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कोई भी एग्ज़ाम का आप पेपर उठा लीजिए जो आपसे आपने अभी तक दिया हुआ, उसमें सबसे जो क्वेश्चन जो गलतियाँ होती हैं जो सबसे ईजी होता है, ठीक है, आप खुद आप एनालाइज़ करेंगे उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। आप 2 दिन उसी पे काम कीजिए और ये कमियां दूर होंगी आपकी तब, जब आप जो चैप्टर आपको लगता है बहुत आसान है उसको जब आप क्या करेंगे बार बार रिवाइज़ करेंगे। तो 2 दिन अभी भी आपके पास टाइम है, जितने भी जो है डेटा से संबंधित क्वेश्चन हैं, कितने भी बुक्स हैं, ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना चाहिए, लगातार रिवीजन करते रहना चाहिए। रिवीजन आपके लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है वो आपके एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम केवल होगा आपका 3 घंटे का, और यही 3 घंटे आपने साल में कितनी बार पढ़ाई की, मैं एक एग्जाम्पल बहुत बार देता हूँ, और एक रिसेंट का एग्जाम्पल है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच। लगातार इंडिया 10 मैच ठीक है जीतते आई, लेकिन उस दिन फाइनल मैच में कैसे जो है आसानी से ऑस्ट्रेलिया से हार गई, आप और हम सभी ने देखा, ठीक है, और कितनी प्रॉब्लम हुई अभी तक देख सकते हैं कि कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो उस सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं। न केवल खिलाड़ी ही बल्कि हम और आप जैसे क्रिकेट प्रेमी भी बहुत क्या हुए प्रॉब्लम में थे उस टाइम देखा जाए तो। तो एक एग्जांपल देता हूँ कि वो 3 घंटे आपके लिए बहुत ही मैटर करते हैं। आपने सामने जो पढ़ा है वो तो आपका काम करेगा, एक्सपीरियंस आपका काम करेगा, सब कुछ काम करेगा, लेकिन वो 3 घंटे में आप अपने को कैसे क्या है स्ट्रांग बनाते हैं, ठीक है, उसी वही मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको वहाँ क्या नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहली बार जब आप जो है सेंटर पे अपने टाइम से पहुँचना है, टाइम का बहुत ही आपको ध्यान रखना है कि आप जो है सेंटर पे जब भी आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, जब भी गेट क्लोज हो रहा है, उसके आधे घंटे पहले पहुँचिए। क्योंकि आप ऐसा करते हैं एग्ज़ाम किस दिन पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि अभी मेरे पास में पहुँच जाएंगे, रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप ऐसे जाएँ कि आपको आधे घंटे पहले वहाँ पहुँचे, आप जो है अपने साथ कोई एक हमेशा बॉटल लिए रहें, ठीक है, और आधे घंटे जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको बहुत ही जो है क्या होगा अच्छा महसूस होगा, आप जो है प्रेशर फील नहीं करेंगे। और नो डाउट आपके ऊपर प्रेशर होगा, एग्ज़ाम है आपका, प्रेशर होना चाहिए, लेकिन प्रेशर इतना ना हो जाए, ठीक है, कि आप पूरी तरीके से क्या हो जाएं बिखर जाएं, ये बात आपको बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, जब हम एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करते हैं, जो फॉरी एग्ज़ाम हॉल के प्रवेश के पहले की मैं एक बात बताता हूँ कि वहाँ पर आप बहुत सारे स्टूडेंट को देखते रहेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करते रहते हैं, पता चला आपके कान में पड़ गया कि जो है कोई ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करा जो आप नहीं जान पाए, अब आप वहीं पर पैनिक कर गए कि यार ये क्या पूछ लिया, ये कौन सी रॉकेट साइंस का क्वेश्चन यही एग्ज़ाम में अब आएगा, आपके दिमाग में चलता रहेगा वही क्वेश्चन कि अब तो ये एग्ज़ाम में आने वाला, अब तो मैं गया, मेरा तो नहीं होना है। अरे भाई ऐसा क्या है, ठीक है, आपने क्या ऐसा सुन लिया, ठीक है, आपको नहीं आता क्या, एक क्वेश्चन थे आपका खत्म हो गया, बस 150 में एक क्वेश्चन आप नहीं जाने, 149 क्वेश्चन तो आपके पास हैं,
और कोई ज़रूरी है कि वो आपके एग्जाम में आएगा ही। इन सारे जो अराजक तत्व हैं, इन सारे जो चीज़ें हैं, इनसे आपको क्या करना है, बचना है। ठीक है, आपको कोई भी डिस्कस कर रहा है, ठीक है, अपना डिस्कस करने दीजिए, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपका वहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके प्रेशर को हैंडल करने में। दूसरी बात, जब आप एग्ज़ाम हमने प्रवेश करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आपका सिस्टम आपको दिया गया, आपका एग्ज़ाम नहीं शुरू हुआ, शुरू होने 5 मिनट बचा है, भरी देख रहे हैं, उसके पहले ही वो सिस्टम ख़राब हो गया, हम पैनिक कर जाते हैं। अरे क्या है भाई, सबके साथ होता है, कुछ नहीं कर सकते हो आप वहाँ पे, आप वहाँ पैनिक करके क्या करोगे, केवल केवल अपना टाइम नष्ट करोगे, अपना प्रेशर बढ़ाओगे और अपने क्वेश्चन को गलत करोगे। आपको 3 घंटे जब तक आपकी वहाँ पे जो टाइमर चलता है, वो जब तक 3 घंटे पूरा नहीं हो जाएगा, आपसे वो कॉपी नहीं ले सकता है। कॉपी कहने का मतलब जो भी आपका पेपर है, तो इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका पेपर सब लोग पेपर दे रहे हैं आपका, उसके आधे घंटे बाद शुरू होगा, नो कोई दिक्कत नहीं, हमें अपने पेपर से मतलब है, हमको बगल वाले से नहीं मतलब है, और हमको केवल 3 घंटे चाहिए। आप हमको चाहे 2 बजे पेपर है, 3 बजे हमको दीजिए, लेकिन हमको 3 घंटे ही चाहिए, और वो आपको 3 घंटा मिलेगा। इसलिए बगल वाले का स्टार्ट हो गया, अभी आपका हम सिस्टम ख़राब हो गया, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। ठीक है, आप जो वहाँ पे जो कर्मचारी रहते हैं उनसे बताइए, वो आपका सही करेंगे। टाइम आपका तभी स्टार्ट होगा जब आपका सिस्टम स्टार्ट होगा, तो ये बात ध्यान रखना है। इससे मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ कि जो पैनिक करके अपना पेपर स्पॉइल करके चले आए हैं। ठीक है, आपका पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाता है, तो ये बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरी बात, जब आप सिस्टम चालू हो जाता है, क्वेश्चन चालू हो गया, तो कभी कभी क्या होता है, स्क्रॉलिंग बहुत करनी पड़ती है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके लिए आप पहले से ही रूम पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बात ठीक है। दूसरी बात, ये प्रॉब्लम सबके लिए है, सबके लिए बड़े क्वेश्चन बड़े हैं। तीसरी बात, क्या करना है, क्वेश्चन बहुत टफ आ गया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत टफ आ गया, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ है, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। क्वेश्चन आपके लिए टफ है, सबके लिए टफ है। ठीक है, वो क्वेश्चन सबके लिए टफ है, मेरिट ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं, पिछले 3 सालों का रिजल्ट उठा के कितनी मेरिट क्या की है, फ्लक्चुएट की है। जब भी पेपर टाइट था, जब भी पेपर टफ था, मेरिट ऑटोमेटिक डाउन गई है। जब भी पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था या इजी था, तो मेरिट हाई गई है। तो इसमें क्या घबराने की बात है, हर क्वेश्चन को आपको पहला क्वेश्चन समझकर ही करना है। कोइंसिडेंस कभी कभी क्या होता है कि हम पहुँचे एग्जाम को देने, हमारे पहले ही 5 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो बिल्कुल हमें नहीं आ रहे, नो डाउट आ सकता है ऐसा। मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब मैं जो जून 2021 में जब मेरा JRF हुआ था, आप लोग पेपर खोल के देखिएगा, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि इसमें 10-12 साल का डेटा दिया था, मरने वालों की संख्या दिया था। वो क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पे पहली बार खुला जब मैं सब्जेक्ट खोला, सोचिए कि उसमें मेरा क्या हाल हुआ होगा। लेकिन मैंने पैनिक नहीं किया वहाँ पर, क्योंकि उस क्वेश्चन का आंसर किसी को नहीं पता था कि भाई 10 सालों में जो 4 सालों 5 सालों का डेटा दिया, उसमें कौन कौन से कितने आदमी मरे हैं, वो किसी को नहीं पता होगा। 99% लोगों को नहीं पता होगा, किसी का तुक्का लग गया तो सही हो जाएगा। ऐसे मेरे कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो लगातार आए, और मुझे वो बिल्कुल, मैं उसमें ब्लैंक था, मैंने उसको कुछ उस टाइम स्किप कर दिया कि मैं इसको बाद में करूँगा, कुछ इसमें टेक्निक्स यूज़ करूँगा। जैसे मैंने उसमें टेक्निक्स यूज़ किया, मुझे 1-2 ईयर ऐसे याद आ रहे थे कि जिसमें कुछ त्रासदी हुई थी, तो उसमें मैंने, मुझे लगा कि इसमें मरने वाले लोग ज़्यादा हुए होंगे, और उसी के आधार पर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास किया। ठीक है, कुछ उसमें सही भी गए, कुछ गलत भी गए, लेकिन वो क्वेश्चन आप बताइए, क्या आप जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी सुन रहे हैं, जब उस क्वेश्चन आपको पहली बार ने, आपने कितनी पढ़ाई की हो, अगर पहली बार आपने उसको देखा होगा, जाके आप अभी भी प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं, तो क्या आपको वो आता है, नहीं आपको भी वो क्वेश्चन नहीं। ऐसे क्वेश्चन उसमें डाले जाते हैं एग्जाम में, कम से कम 15-10 क्वेश्चन ऐसे डाले जाएंगे जो बिल्कुल नए होंगे, फर्स्ट और सेकंड मिला के मैं बता रहा हूँ, जो इसीलिए डाले जाते हैं ताकि आप पैनिक करें, आपको लगे, आपको एहसास कैसे होगा कि आप UGC का ये जो है किसी डिस्ट्रिक्ट या किसी स्कूल लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, ये पूरे सेंटर लेवल का एग्ज़ाम है, ऑल इंडिया से बच्चे इसमें पेपर दे रहे हैं। तो कैसे आपको फील होगा कि आप कोई पेपर दे रहे हैं ऑल इंडिया लेवल का दे रहे हैं, जब तक आपको उसमें कुछ टफनेस नज़र नहीं आएगी। आप जो है एक फ्यूचर के जो है रिसर्च करने जा रहे हैं, PhD करेंगे उसके बाद, जो कि एकेडमिक लेवल पर सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप हमेशा तैयार रहिए, आपको वहाँ पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आगे बात किया जाए तो एक सुझाव ये भी रहेगा कि आप जो है पैसेज पे आपको बहुत काम करना है। आपके 15 मार्क्स पैसेज से ही आते हैं, और इस 15 में अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करके रूम से प्रैक्टिस करके, इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको प्रैक्टिस करना है बार बार, और देखना है कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं, किस तरह सोचने की जो क्षमता है आपकी, जब तक नहीं बढ़ेगी आप 15 क्वेश्चन नहीं कहीं कर पाएंगे। और यही आपके जो है एग्ज़ाम में आपके JRF होने के लिए बहुत ही क्या करता है, रोल प्ले करता है। इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसीलिए आप चाहें तो जब सब्जेक्ट का प्रोसेस करेंगे तो वहाँ आप टाइम लगा सकते हैं, और जब आप क्या करेंगे कि जो है
फर्स्ट पेपर का पैसेज करेंगे तो वहाँ भी आप उसको टाइम दे सकते हैं, क्योंकि ये फ्री के नंबर होते हैं, ऐसे जैसे बोलते हैं कुछ स्टूडेंट कि ये फ्री के नंबर होते हैं। पैसे तभी टफ माना जाता है जब वो फिलासफिकल आ जाता है, थोड़ा सा जो है दर्शन दर्शन साथ को जब वो टच करता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, वो प्रॉब्लम सबके लिए है। आप अपने दोस्तों में आजमा के देख लो, आप 10 लोग 12 लोग की जो टीम हो जिसपे आप तैयारी कर रहे हो, कोई क्वेश्चन जो आपको लगता है कि ये तो यार बहुत टफ़ है, ठीक है, ईमानदारी से फ़ोन करके अपने दोस्तों से पूछो कि इसका आंसर क्या होगा, या उससे मिलो सामने पूछो यार भाई इसका आंसर बताओ। 100 में 99% उम्मीद यही है कि उसको भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन का नेचर ही वैसा है, अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो बिल्कुल है उसको भी नहीं आएगा, क्योंकि वो बनाया ही इसीलिए गया है ताकि वो आपको ना आए। आप एक्स्ट्रा एफर्ट करके सही करते हैं वो बात अलग है, इसीलिए आपको फील तो हो ना कि आप नेशनल लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्यों पैनिक करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा वहाँ ध्यान रखनी है। दूसरी बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट का जो मैंने तरीका अपनाया था, मैंने प्रैक्टिस बहुत की थी, जो कि मेरा जो है सेकंड बार जब जून की बात किया जाए उसमें मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी। मैं जितना भी प्रैक्टिस करता था, चाहे पीओकी की बात किया जाए या बात किया जाए जो है आपके जो है एमसीक्यू की, जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस हैं जैसे अभी मैंने आपको कराया, तो मैं ऑनलाइन प्रैक्टिस करता था। जैसे जो एमसीक्यू मुझे मिलते थे, जो पीओक्यू मैं करता था, तो ऑनलाइन विद इन टाइमर के अंदर मैं सेट करके करता था। तो कभी कभी मुझे मेरा टाइम ज़्यादा हो जाता था, मैं सोचता था कि कहाँ पर ज़्यादा हो। उसके बाद मैंने एक जो है तरीका इसके लिए निकाला कि कुछ चीज़ें हैं कि पहली बात तो कुछ अगर क्वेश्चन आसान आते हैं तो वो तो ऑटोमेटिक आपका टाइम कम लगेगा। और मैंने ये देखा कि टाइम मैनेजमेंट के लिए कि जैसे मैंने अपने दोनों सब्जेक्ट को एक टाइम ड्यूरेशन में फ़िक्स किया कि मेरे पास 180 मिनट हैं टोटल के, टोटल 3 घंटे हैं। तो मैंने फर्स्ट पेपर और सेकंड के लिए उसको टाइम बांटा, ठीक है। मैं एक एज्यूम करके चला कि मैं जो देखता था, तो मैंने एक एज्यूमिंग ये किया था कि लगभग जो है मैं 115 मिनट अपने सब्जेक्ट को देता था और 65 मिनट लगभग किसको देता था, मैं अपने जो है फर्स्ट पेपर को, ये मान के यहाँ से चलता था कि मुझे इसी के दरमियान मुझे पेपर हल करना है। अब 65 मिनट की बात की जाए कि मैं देता था लगभग अपने फर्स्ट पेपर यानी 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो लगभग मुझे 1.1 मिनट समथिंग एक क्वेश्चन पे मुझे आराम से मिल जाते थे, ठीक है। तो मैं क्या करता था कि जैसे मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व किया तो 10 क्वेश्चन के लिए लगभग वही 13 मिनट आ रहा है कि 13 मिनट में मेरा 10 क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर में आपकी चलता ही रहता है, तो हर 10 मिनट में मैं रिव्यू करता था कि मेरे 10 क्वेश्चन पे कि मेरा कितना, अगर 13 के बजाय 15 मिनट लग गए तो अगला 10 क्वेश्चन मैं थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करने की प्रयास करता था। इस तरीके से करने से आप क्या है कि हर 10 मिनट पे आप रिव्यू करें, जब 20 मिनट हो जाए 13 दुना 26 हो गए, यानी 26 मिनट में आपके 20 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। कोइंसिडेंस हो सकता है कि कुछ इजी आ जाए आपका पहले भी हो जाए, तो वो आपके अगले वाले पार्ट में उसको जोड़ दीजिए कि जहाँ पर टफ हो उसको ज़्यादा टाइम दे दीजिए। तो इस तरह से आप काम करते हैं। ऐसे मैंने सब्जेक्ट में काम किया था कि जैसे मैं 10 क्वेश्चन कर लेता, मैं अपना टाइम देखता था कि मैं सेट कर लिया कि 115 मिनट मुझे 100 क्वेश्चन करने 115 मिनट में, तो लगभग वही 12, ठीक है, 12 मिनट लगभग आ रहे थे। तो हर 10 क्वेश्चन पे 12 मिनट होना चाहिए था। तो इसी तरीके से मैं क्या करता था, इसको डिवाइड कर लिया था। तो जब भी मुझे आराम से पता होता था कि अच्छा ठीक है मेरा 20 मिनट हो गया, तो 12 दुना 24 मिनट मेरे हो जाने चाहिए, 24 मिनट में 20 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अगर मेरा ऐसा लग रहा है कि 24 मिनट में 20 नहीं बल्कि 17 क्वेश्चन हुए हैं, तो उस 3 क्वेश्चन को मैं अगले स्लॉट में एडजस्ट करने का प्रयास करता था। और ऐसा मैंने किया। और मैं आपको एक छोटी सी अपने साथ जो हुई मेरे साथ में घटना बताना चाहूँगा। इतना सब कुछ लॉजिक लगाने के बाद मैं जो है, जब मैंने देखा कि जब मेरे जो है लास्ट में लगभग वो 10 क्वेश्चन बचे हुए थे, तो मेरे पास जो है लगभग वही 6 मिनट मेरे पास शेष बचा हुआ था। और मुझे ऐसा लगा कि अब तो मेरा क्वेश्चन ये छूट जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक करने वाला था, ठीक है एकदम से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं पैनिक वाले पे काम करके गया था। मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि यार मेरा तो स्पॉइल हो गया, 10 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने 1 सेकंड का समय लिया होगा, 1 से 2 सेकंड में मैंने डिसीजन लिया कि यार मेरे पास 6 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है 5 या 6 मिनट रहे होंगे भले ही 10 क्वेश्चन, क्योंकि जैसे जून 2020 में आप देखेंगे तो क्वेश्चन जो आए थे कूट के बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत बड़े बड़े थे, बहुत स्क्रॉलिंग करनी पड़ रही थी। तो मुझे लगा मैं 3-4 क्वेश्चन कर पाऊंगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने विद इन 2 सेकंड के अंदर ये डिसीजन लिया कि यार भाई चल तेरे पास तो 6 मिनट है ना, अभी 6 मिनट मेरे अंदर से आवाज़ आई कि 6 मिनट है ना, उसका तो उपयोग कर, क्यों रोने बैठ गया। तो ये मेरे एक अंदर से कहते हैं ना साउंड आया कि नहीं अभी क्या करना है मुझे कि मेरे पास 6 मिनट है, उसका मुझे यूटिलाइज करना है उसको। फिर क्या हुआ कि मैंने पेपर स्टार्ट किया
और मैं मुझे पता था कि पैसे जाने वाला है और टाइम लगेगा, इसलिए मैं ज़्यादा पैर निकलने वाला था। तो मैंने सोचा कि चल 6 मिनट में कम से कम आप जो है जितना भी पढ़ पाऊंगा उतना पढ़ के करूँगा, लास्ट में जब अगर टाइम बिल्कुल नहीं बचता है तो मैं उसको ABCD ऐसे मार के निकल लूँगा। लेकिन कोइंसिडेंस जो पैसे जाया, तो पैसे भी मैं पैसे को एक बार देखा, उसके बाद मैं तुरंत क्वेश्चन पे गया, और जो वो आप देखेंगे तो वो एक जो पैसे जाया था वो था आपके जो है रिलेटेड था, आपके जो है साइक्लोन से रिलेटेड था। अब उसमें यही सब क्वेश्चन पूछा था कि साइक्लोन डेवलपमेंट के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर के प्रेशर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कोरियोलिस होना चाहिए, इस तरीके से भारत में जो है या ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन को क्या बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आए। मैं तो एकदम से खुश हो गया, मैं पैसे पढ़ा ही नहीं, पप्पा को पता है साइक्लोन के बारे में, ज्योग्राफी का स्टूडेंट था मैं ऑलरेडी, कि हाँ 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए जो है महासागर सागरी जलीय सतह का जो है कोरियोलिस बल होना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या कहते हैं, बिली बिली कहते हैं क्या कहते हैं। तो ये मैं तुरंत क्या किया, एक पैसे जैसे आम किया, दूसरा पैसे भी मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि वो एक जो है जहाँ से भी आया था वो उसके बारे में पहले से सुना हुआ था, तो मुझे उसको भी पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। और मेरा जब क्वेश्चन हो गया 100 100 100 का, तो मेरे पास अंतिम में लगभग 3 मिनट समय शेष था। आप सोचिए कि मेरा 10 क्वेश्चन 3 मिनट के अंदर हो गया, क्योंकि मुझे पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मैं वहीं पर पैनिक कर जाता तो आप सोचिए कि मेरे साथ क्या होने वाला था। ये एक आपको कोई जो है एक मैं जो बता रहा हूँ या ये रियल है, क्योंकि ये मेरे ऊपर हुआ है, तो मैं आपको इसको शेयर कर रहा हूँ कि आपको अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको वहाँ पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो लगातार आपको पैनिक वर्ड बोला जा रहा है, ये अपने आप में आप इसको सीरियस लीजिए कि ये बहुत ही बड़ा वर्ड है, ठीक है, ये कोई छोटा वर्ड नहीं है कि जो आपको लगता हो कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा व्यवहार में होता है। आपको लगता है ऐसा नहीं, आप खुद इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ें पता चलेगी कि आप कितना परेशान हो जाते हैं। कभी कभी मैं ऐसे अनेक स्टूडेंट से बात किया हूँ कि जिनका लगातार नेट हो रहा है, तो उनसे बात करने पर वो लोग अच्छे स्टूडेंट हैं लेकिन JRF नहीं हो पा रहे। उसका एक कारण ये है कि वो जब 150 क्वेश्चन लगाने की उनके अंदर कैपेसिटी की कमी है, वो फर्स्ट 50 सॉल्व करते हैं जैसे सब्जेक्ट में 50 क्रॉस किए, एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं पूरी तरीके से। वो कहते हैं मेरा मन करता है बस कितना जल्दी पेपर खत्म हो जाए। ये सिचुएशन अगर आपके अंदर आ गई, आपके अंदर भूख होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने की, और ये भूख तभी आपके अंदर बढ़ेगी जब आपको रूम पे अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 3 घंटे आपको बैठना पड़ेगा, अगर 3 घंटे अगर आप रूम पे बैठ के पेपर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो ये आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। इसको आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि आपके अंदर वहाँ पेशेंस की कमी दिखेगी ही दिखेगी। आपको भी लगेगा कि हाँ कितना जल्दी क्वेश्चन हो जाए, मैं यहाँ से निकलूँ, ऐसा लगने लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भले ही आप जो है अपने साथ एनर्जी ड्रिंक लेकर जाइए, आप अपने बोतल में एनर्जी ड्रिंक ले जा सकते हैं, कोई जो है दिक्कत नहीं है। आपको जब भी थोड़ा सा फील हो कि नहीं मुझे थकान सा महसूस हो रहा है, तुरंत ठीक है तुरंत थोड़ा सा 2 सिप मार ली, ऐसे करके आप पेपर दीजिए, बिल्कुल ठंडे दिमाग से पेपर दीजिए। मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि वो 3 घंटे ही मैटर करते हैं। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि सब चित्त को शांत में रखते हुए, मन को शांत में रखते हुए, अपने ऊपर प्रेशर को दूर करते हुए, ना रिजल्ट के बारे में कुछ भी ना सोचते हुए, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपको बताएंगे कि मैंने जो है 24 आवर में मात्र 4 से 5 घंटे पढ़ाई करके मैंने JRF क्वालिफाई किया। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो 10 घंटे पढ़ने के बाद भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सारी बातों की कमी होती है उनके अंदर, जो भी मैंने आपको अभी तक बताया। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस का ही एग्ज़ाम है समझ लीजिए ये, क्योंकि इसमें बच्चे पेशेंस नहीं रख पाते हैं, लास्ट में 15-20 क्वेश्चन बचते बचते इतना एग्जास्ट हो जाते हैं कि अब उनको लगता है कि यार कितना जल्दी पेपर ख़त्म, जैसे बोलते हैं बंधन में जकड़े हुए हैं कि उनको बस निकाल दिया जाए, बस उनको निकाल दिया जाए यहाँ से। फिर 1.5-3 घंटे स्क्रीन को लगातार देखने की कैपेसिटी आपके अंदर तभी आएगी जब उस चीज़ को आप अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में, अपने जो है आईफोन आईपैड में, जहाँ पर भी आप सॉल्व कर रहे हो वहाँ पर आप डेस्कटॉप पे कहीं पर भी प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, 3 घंटे बैठे हैं, तभी आप क्या कर पाएंगे, वहाँ बैठ पाएंगे, वरना कुछ होने वाला नहीं। ये आप इसको नोट कर लीजिए, अगर आपने मेहनत नहीं किया है, आपके अंदर बैठने की कैपेसिटी नहीं है, तो वहाँ पर आप केवल बस इधर उधर सीट पे ऐसे ऐसे करेंगे और कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अभी भी आपके पास टाइम जो भी बचा है, आप 1-2 पेपर सॉल्व कीजिए, 3 घंटे बैठिए, खुद को मजबूर कीजिए बैठने के लिए, तभी आपके अंदर भूख होने, जैसे ना कहते हैं ना कि विराट कोहली की जब भी बात की जाती है तो उस बंदे के अंदर दिखता है, क्या दिखता है, जुनून दिखता है रन बनाने की। जैसे कहते हैं ना लोगों को खाने की भूख होती है, जब वो क्रीज पे आता है ना उसको रन बनाने की भूख होती है, कितना मैं रन बना लूँ, कितना कम गेंद खेल कर कितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड करता है। देखिए 1-2 1-2 वो ज़्यादा 4-6 मारने पे जो है विश्वास ही नहीं रखता है, वो स्ट्राइक रोटेट करता रहता है 1-2 1-2, यानी हमेशा वो जो है अपने अपोनेंट वाले पे हमेशा प्रेशर बना के रखता है।
इसलिए वो इतना सक्सेस है, वो आज इतना सफल है क्योंकि उनके अंदर पेशेंस की कमी नहीं है। जिसने भी पेशेंस रखा है उसने बहुत बड़ी चीज़ें क्या की है हासिल के लिए। इसलिए पेशेंस शब्द आप लोगों को इसको बहुत ही सीरियस लेना है और इसको क्या करना है अपने ऊपर, जो भी मैं बातें बता रहा हूँ इसको आप अपने ऊपर जब तक अप्लाई नहीं करेंगे और आप जीना उस तरीके से स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक ये सारी बातें काम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये रहा आपका टाइम वाला बात कि आप कैसे मैनेज करते हैं। लास्ट में एक बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है एग्जाम में, स्मार्टनेस की, जिसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का, आपके पास एक स्मार्ट तरीका होना चाहिए और उस स्मार्ट तरीके का नाम है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आपने बहुत पढ़ाई की है लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसे मेथड्स का प्रयोग कर सकते हैं जैसे आप जो है क्वेश्चन में जितना एलिमिनेट कर पाएँ। ठीक है, जितना जैसे आपको मान लीजिए कूट वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसी में आपको एलिमिनेट करना है, या जो भी आए ऑनलाइन में भी आपको एलिमिनेट करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन, आपको आप मान लीजिए कि आपको चारों में ही मिलाना है, मैच द फॉलोइंग का आ गया, उसमें से एक भी आप जान, जैसे पूछा कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, या ये तो हो गया आपका मान लीजिए कि जिसमें बहुत सारे स्टेटमेंट दे देता है कि कौन सा विकल्प सही है, 5 स्टेटमेंट दे दिया और नीचे कूट बना दिया, ABCD सही है, BCD दे दिया, कौन सा विकल्प सही है। आपने उसमें से कोई ऐसा स्टेटमेंट पकड़ लिया कि ये तो सही नहीं हो सकता है, यानी बी वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, आप तुरंत चारों ऑप्शन में जाइए, देखिए कि जिसमें बी भी है ठीक है वो तो हम बहरे बाहर कर देंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि कौन सा विकल्प सही है और बी वाला तो बिल्कुल सही हो ही नहीं सकता। तो जिस भी ऑप्शन में आपको बी दिखे, हो सकता है कि 3 ऑप्शन में बी दिख जाए और एक में ना दिखे, तो आपका और स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, आप वहाँ पर श्योर होने चाहिए कि ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। ये है स्मार्ट का तरीका, स्मार्टनेस का। आपको ऐसे ही एलिमिनेट करना है। आप मैच द फॉलोइंग में आ गए, ए का 4 आप जानते हैं कि ए का 4 मिलेगा, आप तुरंत ऑप्शन में आइए, देखिए कि ए का 4 किस किस ऑप्शन में दिया है। मान लीजिए आपको 2 ऑप्शन में नहीं दिया, 2 आप तुरंत काटिए कि हाँ ये दोनों तो आप काट लीजिए, तुरंत आपको पूरा 4 मिलता है ना, उसमें ऐसे लिखिए पेंसिल BNC, एक अपने तरफ से उसको याद करने का कि BNC यानी नहीं हो सकता है। अब ए और डी बचा, दूसरा ऑप्शन मैच कराइए। इससे आपको क्या होगी कि अगर आपको चारों ऑप्शन आ भी रहे हैं तब भी आपको चारों पढ़ने की क्या ज़रूरत है भाई, हम क्यों मिलाएं, ए का 4था, बी का 3रा, सी का 2रा, तब तो हो गया काम। तो इस तरीके से भले आपके क्वेश्चन आपको चारों ऑप्शन आ रहे हैं, ये नहीं करना है आपको कि चारों आ रहे हैं बहुत खुश हैं, अच्छा ठीक है रिजल्ट, ठीक है रिजल्ट का यहाँ मिलाओ, जर्मनी के मिलाओ, ठीक है हार्टसन को अमेरिका से मिलाओ, इनको यहाँ मिलाओ, अरे ब्रूंस तो यहाँ फ्रांस के थे, आप खुश हैं उसी क्वेश्चन को लेकर। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अरे हमको दिखा कि रिजल्ट जर्मनी के हैं तो ए का 3रा है, तुरंत ऑप्शन में गए, देखे कि ए का 3रा किस में है, हो सकता है ए का 3रा केवल एक में ही हो, हमको और ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये डायरेक्ट एग्जाम में नहीं हो सकता है, आपके पास 2 दिन का टाइम है। अभी भी आप जो है जितने प्रीवियस ईयर में कूट वाले क्वेश्चन आए हैं सबको लगाओ धड़ाधड़ ऐसे, आप पलटो किताब, आप जो है जो सीखो, अभी आपके पास 2 दिन है, 2 दिन में यही तो करना है, नया क्यों पढ़ रहे हो आप, आपको यही करना है, यही कीजिए, तभी आपका इसमें क्या होगा कि आपके तुरंत एक ऑप्शन से पूरा आंसर सही हुआ, आपके पास टाइम की क्या हो गई, बचत हो गई। ये आप करेंगे तो बिल्कुल आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, आप लिख के ले लीजिए, आपके टाइम की बचत होगी और इस टाइम को आप वहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं जो बहुत टफ क्वेश्चन आया हुआ है, मैथ में यूज कर सकते हैं इसका, आप रीजनिंग में इसका यूज कर सकते हैं, हो सकता है आपका मिड मीडियन मोड पूछ ले उसमें यूज कर सकते हैं आप, तो ये फ़ायदा आपका होने वाला है। दूसरी बात एलिमिनेशन में याद रखनी है हाइपर स्टेटमेंट कि मतलब ये चीज़ केवल यही हो सकती है, सदर पर क्या हो गया, केवल यहाँ पाया जाता है सोना, केवल यहाँ पाया, ऐसा स्टेटमेंट से बचना है आपको, ये बिल्कुल गलत है, 99.99 टाइम्स से गलत है। ठीक है, अगर कोई भी हाइपर स्टेटमेंट देखे कि इसकी ऊंचाई तो इतनी ही होनी चाहिए या इतनी ही है, तो ऐसे हाइपर स्टेटमेंट से आपको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए कि इस बार प्रोडक्शन इसे डेटा का जितना क्वेश्चन है इसको आप दिमाग से ही सॉल्व कर सकते हैं। जितना बड़ा स्टेटमेंट लिखा रहेगा, अगर आप पूरी तरीके से ब्लैंक हैं कि आपने पढ़ा कि आपको 4 लाइन में स्टेटमेंट लिखा हुआ एक स्टेटमेंट और पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, आपने पढ़ा स्टेटमेंट कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो जितना बड़ा स्टेटमेंट रहेगा वो मान के चलिए कि लगभग सही ही रहता है, ऐसे देखा गया है आमतौर पर। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक आता है ऑर्डर में, ऑर्डर में क्या देखना है आपको, ऑर्डर में जैसे मान लीजिए आपको नाम दे दिया गया 4 ज्योग्राफर का, पूछा गया पहले कौन आया बाद में कौन आया, आपने मान लीजिए 2 ज्योग्राफर के नाम पकड़ लिए, मान लीजिए कि ज्योग्राफर पकड़ लिए रेडजल और हम्बोल्ट,
ठीक है, कि हम्बोल्ट पहले आए रेडियन बाद में आए। अब जिस भी ऑप्शन में हम्बोल्ट को पहले रखा गया है और रेडियन को बाद में रखा गया है, चाहे हम्बोल्ट को ए पे रखा गया है, रेडियन को डी पे रखा गया है, चाहे हम्बोल्ट को ए पे रखा गया है, रेडियन को बी पे रखा गया है, ऐसे जितने भी ऑप्शन में हम्बोल्ट पहले रेडियन बाद में है, उसको तो पहले आप अंदर कीजिए, बाकी सारे ऑप्शन को बाहर कर दीजिए। ये आपका तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दो ज्योग्राफर के बारे में जानते ही नहीं हैं तो बस इसको भी आप, इसको आप क्या कर देते हैं, हटा देते हैं कि यार ये तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है। आप देखिए ना, दिमाग लगाइए, आपको इतना तो पता है ना दो ज्योग्राफर कि हाँ हम्बोल्ट पहले आए और रेडजल बाद में आए, तो हर आप सबने देखिए कि कहाँ हम्बोल्ट है कहाँ रेडजल है, यानी हमेशा रेडजल हम्बोल्ट पहले रखिए उनको और रेडजल को बाद में। जिस जिस ऑप्शन में ये सिक्वेंस गड़बड़ हो, मान लीजिए कोई जो जिसको आप दो नहीं जानते हो वो पहले लिखा है और बाद में लिखा है, यानी उसके हम्बोल्ट के पहले रेडजल लिख दिया है बाद में हम्बोल्ट को लिख दिया है, तो भले इन दो ज्योग्राफर के बारे में नहीं जानते हैं या इनसे कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन दोनों ज्योग्राफर को तो कोरिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि इसमें हम्बोल्ट को बाद में रख दिया गया है, रेडजल को पहले रख दिया गया है। ऐसे इस तरीके का भी ये तरीका है सॉल्व करने का क्वेश्चन आपका। ये भी तरीका आपको क्या करना है, एग्जाम में अच्छे से अप्लाई करना है। तो ये रहा आपका टोटल एक ओवरव्यू जिसमें मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और जो है जो भी मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया है उसको आप लोग जो है देखिएगा और अपने अभी आपके पास दो दिन का टाइम है उसको यूटिलाइज़ कीजिएगा। और मुझे पूरी का पूरा विश्वास है कि जो है आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है और जो भी होगा आपका अच्छा होने वाला है एग्ज़ाम। बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, नो डाउट प्रेशर होगा, प्रेशर सबके पास होता है, जब भी किसी का एग्ज़ाम होता है, मेरा भी एग्ज़ाम था तो मुझे भी ऐसे प्रेशर फील हो जाता है, सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, दोस्त का प्रेशर, सबका प्रेशर रहता है, ठीक है, किसी किसी का और का प्रेशर रहता होगा, ठीक है, बहुत सारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो जो सबसे आपके करीब रहेंगे उनका तो और प्रेशर रहता है, किसी का कुछ नहीं सुनना है, बस मस्त से आके चिल मूड में पेपर देना है, हंसते हुए जाना है और हंसते हुए आना है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आपको, अभी हम लोग मिलेंगे शीघ्र ही एक नई वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।